बिसमिल्ल वसलात वसलम रसोल्ला वमैद किताब तो के इस क्लास में आप सबका इस्ताल है और आज हम बाब नंबर फोटी नाइन पढ़ने वाले हैं इसका टॉपिक है अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात का शक्रिया अल्लाह ताला की नेमतों का शक्रिया यानी अल्लाह ताला ने बंदे को जो नेमतें दी हैं उन नेमतों का एक बंदे के अंदर एतराफ़ पैदा होना चाहिए एक बंदा को चाहिए कि उन नेमतों को पाने के बाद चूँकि देने वाला अल्लाह है इसलिए उसका शिक्र बंदा बन जाए अल्लाह ताला फरमाता है वमा नेमतिन नामतिन अल्लाह। तुम्हें जो नेमत भी हासिल है वो अल्लाह की तरफ से ही है इसलिए अल्लाह रबालमीन को ही नमतों का क्रेडिट देना चाहिए अपनी सलाहियत को नहीं अपनी काबिलियत को नहीं अल्लाह ताला फरमाता है सुरफलत आयत नंबर फिफ्टी वलैन अदकना हो रहत मन्नाद बर्रा अमस्त हो हादा ली कि अगर तकलीफ़ पहुँचने के बाद हम उसे अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो कहता है कि ये तो मेरा हक़ था एक इंसान को जब किसी तरह की परेशानी से हम दोचार करते हैं जब हम एक इंसान को किसी मुसीबत से दोचार करते हैं और मुसीबत के बाद कोई नेमत देते हैं तो इस नेमत को पाने के बाद वो क्या समझता है वो समझता है कि ये तो मेरा हक़ था अल्लाह का कोई फ़दल नहीं बल्कि मेरी महारत की बुनियाद पर मुझे ये नेमत मिली हुई है वमा अदलनुस्सा आत मता और मैं नहीं समझता कि कियामत भी कभी आएगी, आएगीमत भी कभी वाक़ होने वाली है वमा अदलनुस्सा आत मतन वलुजाला रबी इन दूल हसना और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो मेरे लिए वहाँ भी खुशहाली है वहाँ भी अच्छाई है वहाँ भी नमतें हैं अल्लाह फरमाता है फ़ला नब अनदीन क़रू बेमा आमेलू फ़ला नब अनदीन क़ारू बेमा आमेलू हम कुफ़्र करने वालों को ज़रूर बताएंगे कि वो क्या करते रहे हैं दुनिया में अल्लाह का इनकार करते हैं अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं और इस गुमान में बैठे रहते हैं कि अल्लाह हमसे खुश है क्योंकि हमें दे रहा है हमें नमत नवाज रहा है अल्लाह फरमाता है फ़लनबीना कफ़ारूबी मामलू वलिन कम मिन अदा बिन खलीद के हम कुफ़्र करने वालों को ज़रूर बताएँगे कि वो क्या करते थे और उन्हें हम सख्त अज़ाब से दोचार करेंगे मुजाहिद रहमत ला हादली की तफसर में बयान फरमाते हैं कि हादा वा अना वनाकूकन भी कि ये माल दौलत जो मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है मेरी मेहनत का नतीजा है और मैं इसका हकदार हूँ ये मतलब है इसका और इब्ने अब्बास इस लफ्ज की तफसीर में फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि ये माल तो है ही मेरा ये माल तो मुझे ही मिला है और अल्लाह रब्लम फरमाता है क़ारून का जिक्र करते हुए कि कारून ने जब उससे कहा गया था कि अल्लाह ने जो तुमको जो नेमतें दी हैं उन नेमतों का शुक्र अदा करो तो उसने क्या कहा था इन्नमा ओथी तो हुआन आन कि मुझे ये माल मुझे अपने इल्म की बुनियाद पर मिला है मुझे ये माल अपने इल्म की बुनियाद पर मिला है इमाम कताद अलैह इस की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि मिन्नी बेवजूह मकासिब यानी वो कहता है कि ये माल मुझे मेरे अपने तजर्बा और इल्म की बुनियाद पर मिला है और दूसरे अहले इल्म ने इस आयत की तफसीर में ये कहा है कि वो कहता है कि मुझे माल मुझे इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह के पास इसका हकदार हूँ इसकी योग्यता रखता हूँ इसकी काबिलियत रखता हूँ तो दो तफसीर हो गई कि एक तो यह है कि ये माल मुझे इसलिए मिला है कि मैं इसका हक रखता हूँ या इसलिए मिला है कि मेरे पास तजर्बा है मेरे पास काबिलियत है मेरी सलाहियत है मेरा इल्म है जिसकी बुनियाद पर मुझे ये दौलत मिली है उसके बाद इमाम मोहम्मद रमतल ने एक हदीस जिक्र की है अल्लाह बुहरा की हदीस है बुखारी और मुस्लिम यह हदीस आई है यह हदीस ज़िक्र की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु इसराइल में तीन आदमी थे इसराइल में तीन आदमी थे उनमें से एक कोरही था दूसरा गंजा था और तीसरा अंधा था अल्लाह ताला ने आदमाइश के इरादा से उनमें से सबसे पहले कोरही के पास एक फ़रिश्ता भेजा वो फरिश्ता कोरही के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो कोरही ने कहा कि अच्छा रंग खूबसूरत जिस्म और ये कि मेरी ये जो बीमारी है ये बीमारी दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं मुझसे दूर रहते हैं फ़रिश्ते ने उसके बदन पर हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और अच्छा रंग और ख़ूबसूरत जिस्म उसको मिल गया फ़रिश्ते ने फिर उससे पूछ पूछा कि तुम्हें कौन सा माल सबसे ज़्यादा पसंद है तो उसने कहा कि ऊँट सबसे ज़्यादा पसंद है चुनानचे उसे एक गाभिन ऊँटनी दे दी गई और फ़रिश्ते ने दुआ की बारक बारकल्लाका फीहा कि अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत अता फरमाए उसके बाद फ़रिश्ता गंजे के पास आया गंजा किसे कहते हैं जिसके सर में बाल ना हो और उससे पूछा कि तुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो उसने कहा कि खूबसूरत बाल और ये कि मुझसे ये बीमारी दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो फरिश्ते ने भी उसके बदन पर हाथ फेरा और उसकी बीमारी दूर हो गई और उसे खूबसूरत बाल मिल गए फ़रिश्ते ने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा माल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है तो उसने कहा कि गाय चुनानचे उसे एक गाभिन गाय दे दी गई और फरिश्ते ने दुआ की वकल्ला फ़ीहा तेरे लिए अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फ़रमाए उसके बाद फरिश्ता अंधे के पास आया और अंधे से पूछा कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि मेरी आँख की रोशनी लौटा दी जाए ताकि मैं लोगों को देख सकूं फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और उसकी आँख की रोशनी वाकई लौट आई फरिश्ते ने कहा कि अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा माल ज़्यादा पसंद है तो उसने कहा बकरियां चुनानचे उसे एक गाभिन बकरी दे दी गई कुछ ज़माने के बाद ऊँटनी ने खूब बच्चा दिया बकरी ने भी खूब बच्चा दिया और उसी तरीक़े से गाय ने भी खूब बच्चे दिए चुनानचे कोरही के पास ऊँटों की एक वादी हो गई गाय और बकरी वालों के पास भी गाय और बकरियों का मैदान हो गया मैदान भर गया गाय और बकरियों से अब वही फरिश्ता सबसे पहले कोरही के पास उसकी पहली शकल में आया और उससे कहा कि मैं मस्किन गरीब आदमी हूँ रास्ते का सामान ख़त्म हो चुका है आज अल्लाह की मदद फिर आप की सहायता के बग़ैर मैं घर पहुंच नहीं सकता जिसने आपको ख़ूबसूरत रंग दिया ख़ूबसूरत चमड़ा दिया और इतना सारा माल दौलत दिया है उसके नाम पर मैं आपसे एक ऊँट मांगता हूँ ताकि मैं अपना सफ़र मुकम्मल कर सकूँ उस आदमी ने कहा कि ज़रूरतें बहुत हैं भूल गया अपनी पहली हालत को कहता है ज़रूरतें बहुत हैं मैं तुझे ऊँट नहीं दे सकता फ़रिश्ते ने कहा ग़लबा मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ क्या तू ही नहीं था बर्स की बीमारी में मुमतला नहीं था लोग तुझसे नफरत करते थे और तू बहुत ही गरीब था अल्लाह ताला ने तुझे ये माल अता फरमाया और बोला कि ये माल तो मुझे पूर्वजों से विरासत में मिला है फरिश्ते ने कहा कि अगर तू अपनी बात में झूठा है तो अल्लाह ताला वैसे ही बना दे जैसे तू था फिर फ़रिश्ता अपनी पहली शक्लो सूरत में गंजे के पास आया और उसे भी वही बातें कही जो अबरस से कही थी यानी कोही से कही थी तो उसने भी वही जवाब दिया और फ़रिश्ते ने उससे भी वही कहा कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था फिर फरिश्ता तीसरे आदमी के पास उसकी पहली शक्ल में यानी अंधे के पास उसकी पहली शक्ल में आया और उससे कहा कि मैं गरीब इंसान हूँ मेरे सफ़र का सामान ख़त्म हो चुका है अल्लाह की मदद और फिर आप की सहायता के बगैर आज घर नहीं पहुंच सकता जिससे अल्लाह ने आपको आँख की रोशनी दी है उसी के नाम पर एक बकरी का सवाल करता हूँ ताकि अपना सफ़र मुकम्मल कर सकूँ उससे नाबीन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे वाकई बिनाई अता फरमाई है जितना चाहो लेकर जाओ और जितना चाहो छोड़ दो तूने अल्लाह के नाम पर जो कुछ भी मांगा है मैं तुझे ना नहीं कह सकता तुम ले कर के जाओ जितना लेकर जाना चाहते हो फरिश्ते ने कहा कि अपना माल अपने पास रखो तुम्हारा इम्तिहान लिया गया अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया और तेरे दोनों साथियों से नाराज़ हो गया तेरे दोनों साथियों से नाराज़ हो गया ये है सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस, जिसमें ये सबक़ मिलता है कि नेमत की नाकदरी नहीं होनी चाहिए अल्लाह ताला ने हमको नेमत दी है तो उस नेमत का क्रेडिट अल्लाह आलमीन को देना चाहिए और अल्लाह ताला अगर हमको नेमत देता है तो वो चाहता है कि इस नेमत का हक़ अदा करें इस नेमत से दूसरे बंदों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। ऐसा नहीं कि अगर अल्लाह ताला ने हमको नेमत दिया है तो हम उस पर सांप बनकर बैठ जाएं नहीं तो इस हदीस में सबसे पहले नेमत की नाकदरी का अंजाम बताया गया है और दूसरे नंबर पर ये भी बताया गया है कि पहली शरीयतें हमारे लिए दलील और हुज्जत हैं अगर उसमें ये ना बताया गया हो कि ये चीज़ उनके लिए ही खास थी अगर ये बताया गया हो कि उनके लिए ही ख़ास थी तो ठीक है वो उनके लिए ही खास होगी लेकिन अगर ऐसी कोई बात ना कही गई हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शरीयतों के बारे में कुछ बताया हो तो हुक्म हमारे लिए भी होगा तो गोया कि इस क़स्से में जो अंधे और गंजे और कौ का क़स्सा बताया गया है ये हमारे लिए भी इसमें सबक़ है जैसे कि बनु इसराइल के लिए इसमें सबक था और इससे ये भी पता चलता है कि फ़रिश्तों के, के जिसम होते हैं और वो शक्ल भी बदलते हैं क्योंकि फरिश्ते आए थे कोरही की शक्ल में अंधे की शकल में और गंजे की शकल में वसली नबी महम्मद वाला वसब भी अजमैन